वेलकम बैक दोस्तों। सेकंड जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है हमारे पीसी में वो होता है इंटरनेट कनेक्शन। तो आपका बेसिकली इंटरनेट होता है वो बहुत ही स्लो काम करता है। हो सकता है कि आपका जो पैकेज है इंटरनेट का वो बहुत ही हाई पैकेज है, 40, 50 या 100 MBPS वाला आपने पैकेज लेके रखा है, लेकिन आपके पीसी में आप उसे कनेक्ट करते हैं तो इंटरनेट स्लो काम करता है। तो ये किस वजह से होता है? तो यहाँ पे जो फर्स्ट बेसिक वजह होती है वो होती है कि आपका जो सिग्नल है, अगर आप वाईफाई की मदद से उसे यूज कर रहे हैं तो बेसिकली आप उसके जो राउटर से थोड़ा दूर बैठे होंगे तो सिग्नल वहां पे कम आ रहा होगा। कम सिग्नल आएगा तो डेफिनेटली उसकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप राउटर के पास बैठे हैं फिर भी आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना है? तो बेसिकली हो सकता है कि बहुत टाइम से आपका राउटर रीसेट ना किया हो तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है स्लो इंटरनेट की। तो आप वहां पे अपना राउटर रीसेट एक बार करके देखिए। राउटर रीसेट करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम रहती है तो डेफिनेटली आपके पीसी में बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म होता रहता है जहां पे आपका जो इंटरनेट है वो यूज हो रहा होगा। या तो हो सकता है कि आपकी विंडो अपडेट हमेशा के लिए ऑन रहती हो तो वहां पे विंडो अपडेट में इंटरनेट खर्च होता होगा, एंड आप जहां पे जब सर्फिंग करते हैं, कुछ डाउनलोडिंग करते हैं तो उतनी आपको स्पीड नहीं मिल पाती है जितना आपका प्लान होता है। तो बेसिकली कहीं और उसका यूसेज होता है, इसकी वजह से आपको वहां पे स्पीड नहीं मिल पाती है। तो बैकग्राउंड में आपके जितने भी टास्क चालू हैं उन सभी टास्क को एक बार बंद करके क्लोज करके देखिए तो आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वापस से आपको उतनी स्पीड मिल जाएगी। एंड एक बात मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि मेरी ही तरह यहाँ पे आप एक स्पीडोमीटर लगा लीजिए अपने टास्क बार में। तो स्पीडोमीटर से फायदा क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि मेरा इंटरनेट कितना यूज हो रहा है, अपलोडिंग में कितना यूज हो रहा है, डाउनलोडिंग में कितना यूज हो रहा है। तो अगर मैं इंटरनेट यूज नहीं करता फिर भी ये नंबर ऊपर नीचे चलते रहते हैं, यानी इंक्रीज होते रहते हैं, तो डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि कोई चीज मेरी अपलोड या कोई चीज मेरी डाउनलोड हो रही है। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कुछ इस टाइप का एक स्पीडोमीटर आप ही अपने डिवाइस में लगा लीजिए, अपने पीसी में उसे इंस्टॉल कर लीजिए।